हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फोर्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा पैटर्न को लेकर जो कि यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर या फिर यूपी डिजिटल विजिटी एग्जाम के बारे में, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में निदेशक के माध्यम से एक बड़ी अपडेट को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए बीईओ 2024 यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में, इसके साथ ही हम बात करेंगे यूपी में 6-8 अनुदेशक, इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी और भी तमाम बड़ी जानकारियों को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करेंगे मुद्दे की, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे मुद्दे आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही आप सभी की सभी शिक्षक भर्तियां होनी है, चाहे वो प्राथमिक की शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाना हो, यूपी डिजिटल बिजली एग्ज़ाम कराना हो, या इसके अलावा अगर बात की जाए और भी शिक्षक भर्तियों से संबंधित परीक्षाएं। तो जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा था उसी समय ये बातें निकलकर सामने आ गई थी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग लाया है तो कुछ न कुछ तो नया लाएगा, क्योंकि बाकी सब तो पुराना ही है। अधिकारी एक विभाग से दूसरे विभाग में आ जाते हैं, है ना। जो बिल्डिंग थी वो उसको कहीं ना कहीं नाम बदल दिया गया, जैसे कि होता नहीं है सरकार में, आपने देखा है कई शहर के नाम बदल दिए गए, तो सेम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बदल करके उस बिल्डिंग की जगह पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया, बस बोर्ड बदल गया, जैसे कि अधिकारियों के नाम बदल जाते हैं या शहर के बोर्ड बदल जाते हैं। तो चलिए पहले बात कर ही लेते हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर आज 4 से 5 बड़ी जानकारी आप सभी के लिए, तीनों पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में होगी प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती, यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो नई तैनातियाँ होनी है उसको लेकर अभी भी जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर 55 स्थायी पदों का सृजन भी किया गया है। प्रदेश में हाल ही में गठित किए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक प्रशासनिक अधिकारी की भी तैनाती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग में इसके साथ समूह गा के 55 अस्थायी पदों पर सृजन किया गया है। इनको 28 फरवरी 2025 तक के लिए रखा जाएगा। अब देख लो, शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद ही अपने अंदर जो भर्ती कर रहा है उनकी स्थायी भर्ती नहीं कर पा रहा है, ये स्थायी भर्ती कैसे करेंगे, सवाल खड़े तो होते हैं। लेकिन चलो, जो जानकारी वो आपके सामने है, इसमें किस किस के पद रहेंगे वो लिखे हुए हैं। अगर बात की जाए 4 प्रधान जो सहायक होंगे उसकी देखने के लिए मिलेगी, 8 वरिष्ठ सहायक होंगे, 24 कनिष्ठ सहायक होंगे, 1 व्यक्तित्व सहायक होगा, 17 अशुलिपिक रखे जाएंगे। इसमें कुछ पद सीधी भर्ती के भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ पदों को प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा, और इनके माध्यम से 30 कंप्यूटर सहायक, 21 वाहन चालक और 50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, माली, सुरक्षाकर्मी रखे जाएंगे। इनको सेवा प्रदाता माध्यम से लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पद हैं जो इनके अंदर सृजित किए गए हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है समकक्ष अहाता के फेर में फंसी 33 पदों पर बीईओ की भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए करीब 2 साल से कहने के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समकक्ष अहाता स्पष्ट न हो पाने के कारण 33 रिक्त पदों का अधियाचन 2022 में मिल जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। अधियाचन के क्रम में आयोग से समकक्ष अहाता स्पष्ट करने को लेकर पत्र मिलने के बाद निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने इस दिशा में काम करेगा, इसके बाद ही आयोग विज्ञापन जारी करेगा। प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी के 1031 पद सृजित हैं, वर्तमान में 922 खंड शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। शिक्षा निदेशालय ने 2022 में भर्ती के लिए जब लोक सेवा आयोग से 33 पदों को लेकर विज्ञापन जारी करने की बात कही थी तो इसी बीच बीईओ सेवानिवृत्त हो जाने की वजह से बड़ी संख्या में जो पद हैं वो खाली रह गए। फिलहाल पिछली भर्ती जब निकाली गई थी तो लगभग 309 पदों पर देखने के लिए मिली थी, और इसके अंदर जो पिछली भर्ती निकाली गई थी उसमें आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थी थे। लेकिन एक चीज़ और देखने के लिए मिली थी कि इस वैकेंसी के अंदर जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनको तो मौका मिलता नहीं है, लेकिन बीएड के समकक्ष कौन सी भर्ती होती है या कौन सा कह सकते हैं कोर्स होता है इसको लेकर उसमें एलटी का जिक्र किया गया था। अब एलटी वर्तमान में होता नहीं है, बंद हो चुका है,
तो यहाँ पे इसको लेकर भी समकक्ष योग्यता अटकी हुई है। हालांकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई विषयवार भर्ती तो होती नहीं है एलटी ग्रेड की तरह। तो ये एक मामला है जो सरकार चाहे तो जल्द ख़त्म कर सकती है। इसी को लेकर अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक के निदेशक से मिले अभ्यर्थी। प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मंगलवार को बेसिक निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की। डीएलएड अभ्यर्थियों ने युवाओं ने कहने के उनको खाली पदों होने की जानकारी दी, पीएबी की रिपोर्ट दी और ज्ञापन दिया। डीएलएड संघ के अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि निदेशक ने इसमें काम करने का आश्वासन दिया है और ऐसे में अभ्यर्थियों ने जो मुलाकात की है उसके बाद देखना होगा कि विज्ञापन आता है कि नहीं। लिखा हुआ है कि नई गाइडलाइन से कराई जाएंगी परीक्षाएँ। ये जानकारी है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में। अशासकीय महाविद्यालयों में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बरसों से लंबे शिक्षक भर्ती परीक्षाएं शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कराई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले बजट से इसका जो इंतजाम है वो किया जा रहा है। नए दिशा निर्देश के तहत प्रश्नपत्र अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने होंगे। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरा होगा, इसके अलग कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी और आईरिस कैप्चरिंग के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। प्रश्न पत्रों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कई स्तरीय सुरक्षा जो बक्से उनमें रखवाया जाएगा। परीक्षार्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में करवाई जाएगी। कई अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी, इनके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शासन ने भी पत्र भेजा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 बड़ी परीक्षाएं करानी हैं और जो 2 साल से लंबित हैं, इनमें टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती भी है जिसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, परीक्षा होनी बाकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी है जिसके आवेदन लिए जा चुके हैं, परीक्षा होनी बाकी है। और इन दोनों के बाद में कुछ नई शिक्षक भर्तियां भी देखने के लिए मिल सकती हैं जो कि सीधे तौर पे इस नई गाइडलाइन के आधार पर ही होंगी। लेकिन सवाल तो वही है कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो फिलहाल निदेशक ने कहा है, देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। एक जानकारी और संबंधित है अनुदेशकों के माध्यम से। सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए अनुदेशकों ने घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय। नियमितीकरण समान वेतन के लिए शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। यहाँ पे जो अनुदेशक हैं आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 6 to 8 के अंदर ये पढ़ाते हैं। 6 to 8 में जो पढ़ाते हैं उनको लेकर उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि नियमितीकरण कर दिया जाए, इनको समान वेतन दे दिया जाए। अब इस मांग के हो जाने से आप जानते हैं कि बेसिक में जो 6 to 8 की भर्ती हैं वो पहले से नहीं आती हैं और ऐसा कुछ हो गया तो सीधे तौर पर और नुकसान होगा। फिलहाल सबकी अपनी अपनी मांगें हैं। शिक्षा मित्र अपनी मांग रखते हैं, बीएड बीटीसी अपनी मांग रखते हैं, किसकी पूरी होती है ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।